नमस्कार दोस्तों, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान के हमारे इस कोर्स में। तो लगातार हम जो है वीडियोस के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ये चौथी कक्षा है। पिछली कक्षा में जो है हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, ये दो टॉपिक और इसके साथ साथ सकल राज्य मूल्यवर्धन, इन पर चर्चा की है। इस कक्षा में हमारा मूल फोकस रहेगा एक तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण पर, और दूसरा हम जो है बात करेंगे, जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा उपभोग, जो थोक मूल्य सूचकांक होते हैं उनके बारे में। दोनों टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे और कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कक्षा शुरू होने से सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है नीचे दिए गए लाइक के बटन पर क्लिक करना, क्योंकि इससे क्या होता है बाकी छात्रों को ये पता चल जाता है कि आप इसे पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो चीज़ जानना जरूरी है वो है कि आखिरकार ये जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है ये क्या भला है, क्या चीज़ है। देखिए इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं GFCF, ठीक है। इसका मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है इसको देखो ज्ञात करने का तरीका हमारी बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये है क्या। क्या होता है कि दोस्तों हमारे पास में दो क्षेत्र काम करते हैं एक साथ अर्थव्यवस्था में। एक क्षेत्र को हम सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र कहते हैं और दूसरे को हम निजी क्षेत्र कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों जब काम करते हैं तो काम करने के दौरान इनको चाहिए होते हैं कुछ फिक्स्ड असेट, स्थायी पूंजी, बहुत सी मशीनरी, ठीक है, बहुत प्रकार की मूर्त और अमूर्त संपत्ति। जैसे कि मान लीजिए मैं निजी क्षेत्र का एक व्यक्ति हूँ और वर्तमान में मुझे काम करने के लिए चाहिए एक लैपटॉप जो मेरे पास है, जिस पर मैं क्लासेस बना रहा हूँ। इसी लैपटॉप में एडिटिंग और बाकी कामों के लिए चाहिए होता है मुझे कोई सॉफ्टवेयर्स, जिनको मैं अमूर्त परिसंपत्ति कह सकता हूँ। तो बहुत प्रकार की मूर्त जो दिखती है, जो हमारे सामने होती हैं, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग का जितना भी हो गया, स्क्रीन्स हो गई, लैपटॉप हो गया, ये सारे हो गए मूर्त संपत्तियाँ। और बहुत सी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन जो कि एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह होती है, वो हो गई अमूर्त संपत्तियाँ। ये संपत्तियाँ जो है ये हमको लेनी पड़ती है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो या कोई भी निजी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में ये होती है और इन पर पैसा होता है खर्च। अब किसी भी फिक्स्ड असेट या स्थायी पूंजी को हम कैसे देखेंगे कि कोई भी ऐसा व्यय अगर हम किसी ऐसी परिसंपत्ति पे करते हैं जो एक साल से ज़्यादा अवधि तक हमारे पास रहती है और लगातार उसका हम उपयोग करते रहते हैं, जैसे कि बहुत सी मशीनरी हो गई, बहुत प्रकार के वाहन हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, कृषि में बहुत से उपकरण हो गए, जैसे कि मान लीजिए किसान है उसको ट्रैक्टर की आवश्यकता है, तो ट्रैक्टर एक मशीनरी है जो लंबे समय तक खेती में काम आती है। सपोज कीजिए हम किसी ऑफिस का निर्माण करते हैं, एक बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो वो भी तो फिक्स्ड कैपिटल है ना, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती रहती है लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रयोग तो होता है। तो जब भी हम सकल स्थायी पूंजी निर्माण की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे देश में कितनी संपत्ति बनी है, हमारे राज्य में कितनी संपत्ति का निर्माण हुआ, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो। उसके बाद हम उसमें से घटा देते हैं वो सारी परिसंपत्तियां जो निस्तारित हो गई, मतलब या तो जिसको खप गई, जिनका प्रयोग हो गया, ठीक है, उनको हम इसमें से कम कर देते हैं। और दूसरा इसमें हम फिर जो है जितनी भी ऐसी गैर उत्पादित परिसंपत्ति, गैर उत्पादित मतलब जिसकी हम शुरुआत तो कर चुके हैं लेकिन अभी तक पूरी बनी नहीं है, तो गैर उत्पादित परिसंपत्ति जो है जिसका हमने प्रयोग किया उत्पादन गतिविधि में, उनकी कीमत को भी हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जुड़ने के बाद जो कुछ हमारे पास बचता है उसको हम ये कहते हैं कि भैया आज की तारीख में हमारे देश के पास में उत्पादन और सेवा करने के लिए ये मशीनरी बनी हुई है, ठीक है। तो GFCF क्या बताता है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण हमको क्या बताता है? ये बताता है कि भैया कोई देश जो है वो स्थायी पूंजी के निर्माण में कितना खर्च कर रहा है, कितने करोड़ रुपए उसने सकल स्थायी पूंजी निर्माण में खर्च कर दी। अब देखो एक देश है जो सकल स्थायी पूंजी के लिए 10 करोड़ खर्च कर रहा है और दूसरा देश 100 करोड़ खर्च कर रहा है, तो क्या पता चलता है कि जिस देश में ज्यादा खर्चा हो रहा है इसका मतलब वहां पर उत्पादन भी तो ज्यादा हो रहा है ना। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण एक तरह से कहीं ना कहीं हमको हमारी जो GDP है ना उसको मापने में भी मदद करता है, तो GDP में भी हमारी मदद ये करता है। देखो अगर कोई देश पुरानी मशीनरी है उसकी जगह नया नहीं खरीदेगा या उसमें सुधार नहीं करेगा तो क्या होगा, उत्पादन गिर जाएगा ना। मान लीजिए आपका ट्रैक्टर खराब हो गया तो खेती के अंदर कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी आएगी और विकास भी धीमा हो जाएगा। इसीलिए ये कहते हैं कि जिस देश में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF जो है जितना तेजी से होता है उतना ही ज्यादा उस देश की विकास भी होता है।
तो अर्थव्यवस्था में आप कितना निवेश कर रहे हो, अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत बना रहे हो, ये चीज हमको सकल स्थायी पूंजी निर्माण से पता लगती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर मतलब जो करंट वैल्यूज है उन पर 2019-20 में जो कुल परिसंपत्तियां हैं वो मापी गई है 2,71,000 करोड़ रुपए। अब देखो हमने देखा है कि 9,57,000 करोड़ रुपए के करीब हमारी पूरी की पूरी जो है इकोनॉमी है, हमने ये बात की थी 9,60,000 करोड़ रुपए करीब मैंने बताया था आपको, उसमें से 2,71,000 करोड़ रुपए की अनुमानित हमारी ये परिसंपत्ति है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27% है। मतलब आज की तारीख में हमने जो घरेलू उत्पाद आंकलित किया है ना उसका 1/4 हिस्सा तो हमारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम 2018-19 से इसकी तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ पर इसकी वृद्धि हुई है लगभग 2.67%। कितना? 2.67% की वृद्धि हुई है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2,71,696 करोड़ रुपये तो हमारे सकल स्थायी पूंजी निर्माण के रूप में थे 2019-20 में, और 18-19 में आप देख सकते हो 2,64,000 है। तो यही अंतर जो है ना ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया इस बार हमारे जो भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें। अब सकल स्थायी पूंजी निर्माण का काम जो है ना केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही थोड़े करता है, निजी क्षेत्र भी तो करता है, और निजी क्षेत्र ज्यादा करता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र कम है और निजी क्षेत्र ज्यादा है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र ने यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए का माना जा रहा है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जबकि निजी क्षेत्र का 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यहाँ पर है। तो हमेशा ध्यान रखो कि निजी क्षेत्र का ही ज्यादा रहेगा, 3/4 के करीब 74.21% जो है वो निजी क्षेत्र का है, जबकि 25.79% सार्वजनिक क्षेत्र का है। जैसे राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 75.01% है, ठीक है, और जो शहरी जनसंख्या है वो 24.9 है, उसी तरह से इसी के बराबर हमारे ये निजी क्षेत्र और इतना ही हमारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान यहाँ पर है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हमें समझना चाहिए। GFCF के जो आंकड़े हैं इनको GDP की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। दरअसल जब भी हम व्यय की बात करते हैं कि हमारी GDP की गणना जब हम व्यय के आधार पर करते हैं तो हम न केवल उपभोग को देखते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमने कितना GFCF बनाया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पता करते हैं। सकल स्थायी पूंजी निर्माण मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा क्या होता है, इसमें दोनों क्षेत्रों का योगदान भी हमने देख लिया। अब ये पिछले 5 सालों का डेटा हमें दिया हुआ है जो कि आप नक्शे में भी देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2018-19 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निजी क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था, लगभग 71% के करीब, सॉरी 81% के 79% के करीब था, ठीक है, और अब ये 75% के करीब रह गया। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान बढ़ गया है, ठीक है, 3-4% योगदान सार्वजनिक क्षेत्र का यहाँ पर बढ़ गया है सकल स्थायी पूंजी निर्माण में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजी निर्माण बढ़ा है वहीं पर निजी क्षेत्र के में कमी हुई है। देखो पीछे वाले सालों में लगातार बढ़ रहा था निजी क्षेत्र का, लेकिन इस बार 2019-20 में 18-19 की तुलना में गिरावट हमको देखने को मिली है निजी क्षेत्र में, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्कोप, ये देखो ये यहाँ पर इतना था लेकिन अब ये यहाँ पर बढ़ करके इतना हो गया, ठीक है, तो बढ़ोतरी हुई है, ये ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक आता है कि जो हमारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो किस किस एरिया में हो रहा है। तो हम जो 3 फील्ड पढ़ते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि किसमें कितना निर्माण हुआ है। हमारे पास में टोटल 13 क्षेत्रों में हम इसको डिवाइड करते हैं। इनमें से 4 क्षेत्र हैं कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन, ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं आपके कृषि और सहायक गतिविधियों के रूप में। इसके बाद में आते हैं हमारे 3 क्षेत्र, पंजीकृत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस और जलापूर्ति, इनको हम लेते हैं उद्योग में, ठीक है, और उसके बाद बचे हुए हमारे जो 6 क्षेत्र हैं रेलवे, संचार, होटल, ट्रेड, यातायात, ये सभी, बैंकिंग, बीमा, स्थावर संपदा मतलब फिक्स्ड कैपिटल्स जो हम बनाते हैं, और लोक प्रशासन, इन छह टॉपिक्स को हम किस में लेते हैं, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। अब आप देखिए ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो किस क्षेत्र में हो रहा है। 2019-20 की टेबल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा निर्माण जो है वो किस क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 93,000 करोड़ रुपए निर्माण क्षेत्र में, उद्योग के निर्माण क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो क्षेत्र आता है वह है स्थावर संपदा। तो सेवा क्षेत्र की स्थावर संपदा में 66,000 करोड़ रुपए का निर्माण यहाँ पर हुआ है। अगर हम एरिया वाइज देखें कि कृषि में सबसे ज़्यादा कौन है, तो कृषि में सबसे ज़्यादा है कृषि एवं सहायक गतिविधियों में
कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा है, 12,000 करोड़ रुपए का जो स्थायी संपत्तियों का उत्पादन है वो कहां पर हुआ है, आपके इस क्षेत्र में, ठीक है। इसी तरह से उद्योगों में सीधा सीधा निर्माण क्षेत्र है, जबकि सेवा क्षेत्र में आपका सीधा सीधा स्थावर संपदा क्षेत्र को पहली रैंकिंग यहां पर मिलती है। इसके बाद दूसरी तीसरी चौथी रैंकिंग आप अपने आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से को कहां दी गई। आप टॉप जो है थ्री आप देख सकते हैं, पहला है निर्माण क्षेत्र, दूसरा स्थावर संपदा क्षेत्र, और तीसरे नंबर पे आपका लोक प्रशासन रहता है 37,000 के साथ में। टोटल मिला के 271,000 करोड़, जो कि लगभग 27-28% हमारे GDP का है, वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण के रूप में गिना जाता है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। दरअसल आप सभी के लिए एक कोर्स जो है वो मैंने बनाया है, हमारा पोर्टल जो है online.rsjunction.com, वहां पर एक कोर्स हमने बनाया है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं online.rsjunction.com, जिस पर एक लिंक दिया हुआ है, और वहां पर इस कोर्स को आप देख सकते हैं, जो कि आपके इकोनॉमिक रिव्यू के बारे में है, ठीक है। इकोनॉमिक रिव्यू जो है उसके लिए ये राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू का टेस्ट सीरीज मैंने अभी बनाया है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ने के बाद आपका मन करेगा कि सर हम प्रश्न भी करके देखें, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज है, 99 रुपीज़ की ये टेस्ट सीरीज है, जिसको आप प्रीव्यू ऑप्शन में जाकर के और टेस्ट देकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेस्ट शेड्यूल में जाएं और इकोनॉमिक रिव्यू टेस्ट 1, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आप स्टार्ट क्विज जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपका ये टेस्ट का जो है ऑप्शन आ जाएगा, कैसे आपको टेस्ट देना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे। इसमें आपको स्टार्ट क्विज पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप स्टार्ट क्विज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टार्ट क्विज पर क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर वो क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप आराम से यहाँ पर ट्राई कीजिए और अपनी तैयारी को यहाँ से आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने नहीं किए, आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, जबकि ऑप्शंस जो हैं वो केवल हिंदी में है। जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे, उसको करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन से उससे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। रिव्यू के लिए आप उसको मार्क कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में आपको अपना रिजल्ट पता चलेगा, और इसके साथ आपको अपनी रैंकिंग भी मिलेगी कि बाकी छात्रों ने जो दिया है उसमें आपकी रैंकिंग कितनी है। तो 30 प्रश्नों का हर एक टेस्ट में लूंगा, और ऐसे 10 से 12 टेस्ट हम जो है एक के बाद एक यहाँ पर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम से पहले आपकी पूरी प्रैक्टिस इकोनॉमिक रिव्यू की हो जाए। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए है। चलिए, तो ये बात हो गई टेस्ट सीरीज की। तो जो भी इच्छुक छात्र हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं मूल्य सांख्यिकी के बारे में, ठीक है। प्राइस स्टैटिक्स जो है उसको हम समझते हैं। मूल्य सांख्यिकी, दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी होती है। ये जो मूल्य है ये मांग और सप्लाई पर आधारित होते हैं। मार्केट में जैसे जैसे चीज़ों की मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, उसी के साथ में मूल्यों में बढ़ोतरी भी होती है। वहीं पर आप ये भी देखते होंगे कि जब एक साथ बहुत सारी सप्लाई आ जाती है और मांग में कमी होती है तो मूल्य घट भी जाते हैं। मूल्यों पर सरकारें हमेशा नज़र रखती है, क्योंकि इनका सीधा असर जो है लोगों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है उस पर होता है, लोगों की खरीदने की क्षमता पर होता है। क्योंकि यदि चीज़ों के मूल्य ज़्यादा बढ़ते हैं, खासकर उन वस्तुओं के जो ज़्यादा कंज्यूम में आती है, ज़्यादा उपयोग होती है, तो ऐसे में लोगों के जीवन स्तर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और उन्हें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार लगातार ये देखती है कि एक निश्चित दर से ही जो है मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। इसीलिए बहुत सी मूल्यों पर जो है सरकार ध्यान रखती है, और कुछ अवधियों के अंतर्गत मूल्यों को बार बार नापती रहती है, ताकि ये पता लग सके कि मार्केट में कितनी महंगाई हो रही है। तो मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के पर्यवेक्षण के लिए प्राथमिक उपकरण मूल्य सूचकांक होते हैं। मूल्य सूचकांक हमें ये दर्शाते हैं कि किसी वस्तु में किसी एक निश्चित समयावधि में उसके मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है। तो किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में होने वाला सापेक्ष परिवर्तन। सापेक्ष परिवर्तन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप मूल्य परिवर्तन देखते हो तो आप किसी एक आधार वर्ष के आधार पर देखते हो। जैसे कि 2011-12 में किसी वस्तु का मूल्य यदि 100 रुपये है, तो हम आज जब गणना करेंगे तो इसका मूल्य 157 या 158 बताएंगे, तो हम कहेंगे कि 2011-12 की तुलना में इस वस्तु के मूल्य में 57% की वृद्धि हो गई। इसीलिए मूल्य परिवर्तन को हमेशा मूल्य सूचकांक में एक सापेक्ष परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। एक आधार वर्ष के आधार पर ही हम जो है मूल्यों की गणना करते हैं।
ये मूल्य परिवर्तन दो तरह के सूचकांक में होते हैं, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा थोक मूल्य सूचकांक। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझें तो इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं उपभोक्ता को रिटेल, ठीक है, और थोक को होलसेल। होलसेल प्राइसेस जो है बड़े स्तर पर की गई खरीद के लिए होता है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप बड़ी मात्रा में कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो अक्सर सस्ती मिलती है, लेकिन यदि उसी चीज़ को आप एक या दो की क्वांटिटी में खरीदते हैं तो वो हमें महंगी मिलती है। तो यही अंतर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अधिकतर रिटेल स्तर पर अंतिम रूप से जब उपभोक्ता चीज़ों को खरीदता है उस रूप में होता है, और थोक मूल्य सूचकांक अक्सर व्यापारी जब एक दूसरे से खरीदारी करते हैं, दुकानदार एक दूसरे से खरीदारी करते हैं, तो उस रूप में देखा जाता है। इस कक्षा में मैं आपको आज जो थोक मूल्य सूचकांक है उसे थोड़ा सा कवरअप करने की कोशिश यहाँ पर करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से आपको इसे समझाने में सक्षम भी हूँ, लेकिन लाइक करना नहीं भूलना है। तो राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी की बात करें तो राजस्थान में एक डायरेक्टरेट है जिसका नाम है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। हो सकता है आरएस बनने के बाद आपको भी यहाँ काम करने का मौका मिल जाए। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर हर वीक जो है वस्तुओं के थोक और खुदरा भावों का संग्रहण किया जाता है कुछ चयनित केंद्रों से। कुछ ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर इनकी रेट्स जो है कलेक्ट की जाती है, और ये काम 1957 से ही हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जैसे पशुधन उत्पाद, जैसे डेयरी उत्पाद हो गए, भवन निर्माण के लिए सामग्री और मजदूरी की दरें, इनकी भी डिटेल हर महीने सभी जिलों से प्राप्त की जाती है। थोक मूल्यों के आधार पर ही राज्य में हर महीने मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है, और जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा तैयार किया जाता है। दरअसल औद्योगिक श्रमिकों के अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और भी कई प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते हैं, थोक मूल्य सूचकांक एक ही प्रकार का होता है। राजस्थान का अपना थोक मूल्य सूचकांक है, और अखिल भारतीय स्तर पर जो है केंद्र सरकार का भी अपना थोक मूल्य सूचकांक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक है उसके बारे में। देखिए, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 के आधार पर है। 100 रुपये हम मानते हैं कि 1999-2000 में किसी वस्तु का जो है थोक मूल्य सूचकांक में वैल्यू था 100 रुपये, ठीक है। दरअसल इसको हमने बदल दिया है अभी, सॉरी थोक मूल्य सूचकांक को नहीं बदला है, हमने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बदला है, तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है वो 1999-2000 में किसी वस्तु की मूल्य को 100 रुपये मानते हुए आज की वैल्यू गणना करता है, भाई आज उसकी कीमत कितनी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये जो थोक मूल्य सूचकांक है ये एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है और जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। इसका बहुत जगह प्रयोग होता है, व्यापारी इसका प्रयोग करते हैं, हमारी सरकार इसका प्रयोग करती है, और जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। हर जगह पर लगभग हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। अब अलग अलग क्षेत्रों में थोक मूल्य सूचकांक जो है बहुत सी वस्तुओं को सम्मिलित करता है। तो राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक को पहली बात तो मासिक आधार पर हर महीने जारी करती है। इसका कलेक्शन तो वीकली होता है, ठीक है, जो चयनित केंद्र है वहाँ से, लेकिन जारी कब होता है? मासिक आधार पर। और इसका आधार वर्ष क्या है? 1999-2000। ये याद रखना, सीधा पूछते, स्ट्रेट पूछ लेगा राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, पिछली बार भी पूछे। कुल मिलाकर के 154 वस्तुओं के समूह को इसमें सम्मिलित किया गया है, मतलब टोटल 154 ऐसी वस्तुएं जिनको हम चेक करते हैं उनका प्राइस। अब इनको भी हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक वस्तु समूह, दूसरा है विनिर्मित उत्पाद समूह, और तीसरा है ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेह, ठीक है। कितने हैं? चार। तीन क्यों? क्योंकि एक तो होता है हम प्राथमिक, मतलब प्राइमरी जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कृषि से जो भी उत्पादन आता है या खनन से जो भी आता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं विनिर्मित, मतलब हम बहुत सी मशीनें बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, बटर बनाते हैं, जैम बनाते हैं, ये सभी विनिर्मित चीज़ें हैं, ठीक है। और तीसरा हम जो एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल ये सब ईंधन में आते हैं, प्रकाश में, लाइट में, और उपस्नेहक मतलब बहुत से जो आपके जो घर्षण में और लुब्रिकेंट्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें आती है उन सबको हम ईंधन में रखते हैं। अगर प्राथमिक वस्तुओं की बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा 75 वस्तुएं प्राथमिक समूह में है। इसके बाद 69 वस्तुएं विनिर्मित उत्पाद समूह में है, और 10 वस्तुओं को हम ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेहक कैटेगरी में लेते हैं। अब इनका वेटेज देखो आप कितना है। टोटल अगर 100 मानते हैं, अगर हम 100 वैल्यू अगर हमने मानी है हमारी थोक मूल्य सूचकांक की, तो उसमें से 33% या एक तिहाई तो है हमारा प्राथमिक वस्तु समूह, लगभग 50% है हमारा विनिर्मित उत्पाद, ठीक है, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोबारा से, ठीक है, प्राथमिक वस्तुओं से मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, विनिर्माण जिनका किया जाता है,
वो सारी चीजें 50% या आधा हिस्सा मानी जाती है हमारे थोक मूल्य सूचकांक का। और ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेह का लगभग 16.25%, इनका योगदान 16% है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे राज्य के थोक मूल्य सूचकांक का क्या हाल चाल है। तो ये काम तो हमें जो है हमारी ये टेबल ही बता देगी कि हमने कैसे क्या वृद्धि की है, कितना हमारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों कैटेगरी में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं में 4.41% की वृद्धि हुई है। ठीक है, प्राथमिक वस्तु समूह में जो हमारा ईंधन वाला जो हिस्सा है उसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है, और जो हमारा विनिर्मित उत्पाद है उसमें 6% की वृद्धि हुई है। मतलब हमारे कृषि से जुड़े जितने भी उत्पाद हैं, प्राथमिक जितने भी उत्पाद हैं, उनमें तो हुई है 4.5% की वृद्धि। 10.5% की वृद्धि हुई है हमारे ईंधन में, ठीक है, महंगाई हो गई एक साल में, और 6% की वृद्धि हुई है हमारी विनिर्मित उत्पादों में। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम अखिल भारतीय स्तर की बात करें, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर आधार वर्ष क्या है ये ध्यान रखना, 2011-12। हमारे यहाँ पर 1999-2000 है ना, राष्ट्रीय स्तर पर जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष है 2011-12, और वहाँ पर 2019 में 121 से बढ़कर के हो गया 121.7, वृद्धि हुई है 0.41% की। कितनी? 0.41 की। हमारे यहाँ पर था 2019 में 310। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 121 है, यहाँ पर 310 क्यों? तो कारण ये है कि हमारा आधार वर्ष है 1999-2000, तो उससे आज की तुलना में 20 सालों में लगभग 3 गुना वृद्धि हो चुकी, 100 से 300 पे पहुंच गया, 310 पे। लेकिन भारत सरकार का आधार वर्ष कितना है? 2011-12। तो भाई 10 साल ही तो हुए ना, तो 10 साल में जो वृद्धि हुई है वो 100 से 121 पे ही पहुंची है। तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है, कि जो है राजस्थान का आधार वर्ष 1999-2000 है और राष्ट्रीय स्तर पर आधार वर्ष 2011-12 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो प्राथमिक वस्तुएं 317 से 331 पे पहुंच गई 2019 की तुलना में 2020 में। इसी तरह से कृषि वस्तुएं 314 से 328 पे, और खनिज वस्तुएं 337 से 353 पे। अब प्राथमिक वस्तुओं में दो आ गए, कृषि और खनन, ठीक है, तो ये ओवरऑल इन दोनों का ऐड करके 331 बनता है दोनों का एवरेज। ईंधन शक्ति देखो 461 से 509 पे पहुंच गया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, 10% के करीब इंक्रीज हो गया। ठीक है, और विनिर्मित उत्पाद 256 से 272 पे, 6% के करीब। तो मैंने बता दिया आपको सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है ना वो हुई है ईंधन वाले, ईंधन शक्ति प्रकाश उपस्नेहक में। दूसरे नंबर पे वृद्धि हुई है विनिर्मित उत्पाद में, और तीसरे नंबर पे वृद्धि हुई है किसमें? आपके जो कृषिगत उत्पाद हैं, प्राथमिक वस्तुएं और खनन है उसमें। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 साल का पूरा ब्यौरा दे रखा है कैसे कैसे वृद्धि हुई है। याद रखना 3 वर्ग हैं वृहद समूह में, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और विनिर्माण। प्राथमिक वस्तुओं का 33% जो है योगदान है, और टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी है मैंने आपको भी बताई है, 75। ठीक है, 33% वेटेज है जबकि 75 वस्तुएं हैं। यहाँ पर 69 वस्तुएं हैं, और इसका सॉरी ईंधन में जो है 16% वेटेज है और 10 वस्तुएं हैं, और विनिर्मित उत्पाद में 69 वस्तुएं हैं और वेटेज जो है वो है 50% के करीब। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर परिवर्तन दर हम देख रहे हैं, वार्षिक परिवर्तन दर। अब आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ 2020 में प्राथमिक वस्तुओं में 4.41% की वृद्धि हुई, ईंधन में 10% की, और विनिर्मित उत्पाद में 6% की। लेकिन 2019 में अगर आप देखोगे 18 की तुलना में, तो जो ईंधन वाला हिस्सा था ना उसमें कमी आई थी। मतलब ईंधन के दाम 2018 की तुलना में 2019 में घट गए थे। दाम घटने का मतलब है कि यहाँ जो ये 8.18% की वृद्धि देखी गई थी वो यहाँ पर -0.55 रह गई। इसको यहाँ से समझिए आप। दरअसल ईंधन शक्ति प्रकाश में 2018 में सूचकांक था 463 पे, और 2019 में आ गया 461 पे। ये गिरावट को दर्शा रहा है ना, बाकी सभी में वृद्धि है। देखो यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है, लेकिन केवल और केवल ईंधन वाले में एकमात्र में कमी आई थी 2018 की तुलना में 2019 में। तो नकारात्मक वृद्धि दर यहाँ पर रही थी, और यही चीज आपको एक ग्राफ से भी पता चलेगी। कौन सा ग्राफ? ये वाला वृद्धि दर वाला ग्राफ जो है, उसमें आप देख सकते हैं जो ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेहक है उसमें 2017-18 में वृद्धि दर 8% रही, लेकिन 2019 में ये वृद्धि दर 0 से भी नीचे चली गई। ठीक है, तो वृद्धि दर 0 से नीचे जाने का मतलब है कि वैल्यू कम हो गई। यहाँ पर वैल्यू कम नहीं हुई है, यहाँ पर वृद्धि दर कम हुई है। मतलब यहाँ इंक्रीमेंट तो हो रहा है, रेट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब 10% से बढ़ रहे थे वो अब 8% हो गए।
ये चीज यहां पर हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गया राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक, बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको समझा दिया। अब आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगली कक्षा का वेट करना, और इसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर देखें, डेमो टेस्ट एक बार आप दें ताकि आपको ये पता चले कि डेमो टेस्ट में कैसे क्वेश्चन है। मैं हर तरह के प्रश्न वहाँ पर बना रहा हूँ, पर आप पसंद करें पहले उसको देखें, अगर पसंद आए तो आप अपने 100 रुपीज़ वहाँ पर खर्च कर सकते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म भी आगे बढ़ता रहे और आपकी तैयारी भी आगे बढ़ती रहे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।